देखिए फ्रेंड्स, क्या है ये? आप सोच रहे होंगे ना कि ये कौन सा डिश है, तीन तीन स्टाइल में बनी हुई है। तो ये है यूपी और छत्तीसगढ़ का फेमस चावल के परे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। परे बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन, मिर्ची, कटी हुई हरी धनिया पत्ती, ये है उड़द और चना का दाल जिसको मैंने 3-4 घंटे तक भिगो कर लिया है। आप इसे रात भर भिगो कर छोड़ सकते हैं। और चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ती, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची। ये फरे बहुत ही स्पाइसी और चटपटी बनती हैं। तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। दाल को डालना है एक मिक्सी जार में। उड़द और चने का दाल इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ डालेंगे इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। मसालों को भी दाल के साथ ही बारीक पीस लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा अदरवाइज फीलिंग बहुत पतली हो जाएगी। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। अब इसको बंद करके बारीक पीस लेना है। अगर आप उड़द का दाल पसंद नहीं करते हैं तो केवल चने का दाल का भी फरा बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल पीस चुका है, इसे निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल में। अब इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को इसमें मिला लेना है। अब इसमें डालेंगे जीरा, एक बड़ी चम्मच जीरा डालना है, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक अभी नहीं डालना है, नमक जब आप फीलिंग भरने लगेंगे उस समय डालना है। अगर अभी नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा और बैटर पतला हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं रख दी इसको एक साइड। अब मैं बना लेती हूँ चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया दो टमाटर। टमाटर कट करके मैं इसको डाल दी मिक्सी जार में। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। फोड़ के डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे लहसुन, मिर्ची, अदरक। इसके साथ टमाटर की चटनी फरे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। चटनी पीस चुकी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ बोल में। फरे के साथ हरी धनिया की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सॉल्ट, थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल से इस चटनी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा ही डालना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। चटनी हमारी हो गई रेडी, इसको मैं करती हूँ एक साइड। अब हम बनाएंगे फरे के लिए आटा। फरे चावल के आटे से बनता है, यह है चावल का आटा। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे बॉयल आने देंगे। पानी देखिए उबलने लगा है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइन ऑयल, 1 छोटी चम्मच नमक और इसको थोड़ा मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिलाना है। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। देखिए मैंने चावल के आटे को अच्छे से पानी में मिला लिया है। अब इसको थाली में निकाल करके मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। गैस को मैं कर देती हूँ ऑफ, इसे निकाल लेती हूँ एक थाली में। चावल के आटे को मैंने थाली में निकाल लिया है। मैं इसको इसमें फैला दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसको नीट करके अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार करूंगी।
तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठंडा हो चुका है, अब इसको अच्छे से मसल करके साफ दो तैयार कर लेना है। अब इसका एक छोटा सा लोई लेंगे, और सूखे चावल के आटे में इसको लपेट करके बेल लेना है। इसको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे बेल लेना है। ये देखिए, मैंने पूड़ी की तरह तैयार कर लिया इसे। इसी तरीके से सारी पूड़ियों को तैयार कर लेना है। एक और बेल के मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लोई लिया, सूखे आटे में ऐसे लपेटिए, एक छोटी सी पूड़ी तैयार कर लीजिए। देखिए, मैंने चावल के आटे की पूड़ियाँ तैयार कर ली है। अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया एक पतीला, इसमें डालेंगे एक लोटा पानी, और इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें लगा लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसमें फर एक दूसरे से चिपके नहीं। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसको चढ़ा दूंगी मैं इसके ऊपर, पानी गर्म होने दूंगी। अब फिलिंग में मिलाएंगे नमक। मैंने पहले नमक नहीं मिलाया था, अब इसके भरने का टाइम आ गया है, तो इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिए। नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब रोलिंग बोर्ड पे रखेंगे एक पूड़ी। अब इसमें रखेंगे फिलिंग, ऐसे फिलिंग रखना है। सेंटर में बिल्कुल फिलिंग रखिएगा, और इसको ऊपर से ऐसे करके थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इसी तरीके से सारी फरे को तैयार कर लेनी है। है ना ये बहुत आसान बनाना। ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनता है। पानी गर्म हो चुका है, अब जाली में फरों को डालना शुरू करेंगे। तो एक एक करके फरों को डालना है। उतने ही फरों को डालिए जितना आसानी से इसमें आ जाए। फरों को इसमें मैंने डाल दिया है, और 10 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम होने दूंगी। ढक्कन को लगा देना है, बीच में से नहीं खोलना है। तब तक मैं और फरों को तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं सारे फरों को फिल करके तैयार कर लिया है। मेरे थोड़े से आटे बच गए हैं, तो मैं इसको छत्तीसगढ़ स्टाइल में फरे बना कर बताऊँगी आपको। छोटा सा लोई लेना है, इसमें सूखे आटे को लगाइए, ऐसे करिए। अब चकले पर इसे ऐसे ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से तैयार कर लेना। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको केवल फ्राई करना होता है उबालने के बाद। देखिए, छत्तीसगढ़ स्टाइल में बनके फरे तैयार हैं। इसको डायरेक्ट पानी में उबाइल करना है, तो मेरे वो वाले फरे बन जाएंगे। तो मैं इसको बनाऊँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अपने फरों को चेक कर लेती हूँ ये पके हैं या नहीं। हटाती हूँ लीड को, अब नाइफ से चेक करती हूँ हुआ कि नहीं। ये देखिए, थोड़े थोड़े चिपक रहे हैं, तो मैं इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। लगभग 3-4 मिनट तक मैंने इसको और बॉयल किया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक थाली में। देखिए, हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ।
ये देखिए मेरे फरे बन गए हैं। आप इसको चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपका इसको और स्पाइसी चटपटा बनाना है तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं शेष जितने बचे हुए फरे इसको बॉयल होने के लिए रखती हूँ। इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे, लगभग 2 ग्लास। इसको गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें इन फारों को डालेंगे। ये देखिए सारे फरों को मैंने इसमें डाल दिया। इसके ऊपर मैं जाली रखूंगी और इसमें इन फरों को डालूंगी ताकि दोनों एक साथ ही स्टीम हो जाए। अब मैं लीड को लगा देती हूँ, 10 मिनट तक इसे होने देते हैं, 10-15 मिनट तक। देखिए ये फरे भी हो गए हैं, इसको भी मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। अब इसको हटा के नीचे के फरे देख लेते हैं। ये भी फरे देखिए हो चुका है, ऊपर तैर रहे हैं। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरे फरे तैयार हैं। देखिए मेरे दूसरे तरह के भी फरे तैयार हैं। अब मैं आपको फ्राई करना बताऊंगी। सबसे पहले फरों के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। एक फरे में से लगभग 2 या 3 पीस करिएगा। ऐसे ऐसे इसको कट कर लेने हैं। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा ये पक चुका है। ये देखिए मैंने फरों को कट कर लिया। अब मैं तड़का लगाऊंगी। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा। इसको चटकने देंगे, फ्लेम धीमा ही रखिएगा। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए फरों को। और इसको अच्छे से इसमें मिला लेना है ताकि मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए इस पर। देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसी तरीके से हम इस फरे को भी फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे सरसों के दाने, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 कटी हुई मिर्ची और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। मसाले भून चुके हैं, इसमें डालेंगे फरों को।
अब मसालों में अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि अच्छे से मसालों की कोटिंग इस पर चढ़ जाए। इसको लगभग 2-3 मिनट तक भून लेना है ताकि बाहर से बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। ये भी फ्राई हो चुका है, अब मैं गैस को ऑफ करके इसकी कर लेती हूँ प्लेटिंग। ये देखिए मेरे 3 तरह के फारे तैयार हो गए। ये देखिए छत्तीसगढ़ स्टाइल हो गया, इसको मैंने फ्राई किया, ये स्टीम वाले। आपको जैसे मर्जी वैसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे ट्राई करें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।